दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम पंद्रह बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज पहले के पहले खबर बिहार में मौसम के तलके जारी अभी दो दिन और रहेगी गर्मी कई जिलों में बारिश के आसार जी हां बिहार में मौसम का मिजाज फिर से बदलना शुरू हो गया है उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बारिश के जरिए राहत मिलने वाली है बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है राज्य के आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू होने के साथ छिटपुट बारिश भी शुरू हो गई है पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज पश्चिमी चंपारण सिवान सारण गोपालगंज और बक्सर जिले में तेज बारिश जबकि कल पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के साथ ही गोपालगंज में भारी बारिश हो सकती है साथ ही आज उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में एक या दो स्थानों पर बिजली चमकने और मेघ गरजने की संभावना है इन इलाकों में वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा अगली बड़ी खबर बिहार बोर्ड इंटर में स्पॉट नामांकन का विशेष अवसर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2021 23 के लिए इंटर स्पॉट नामांकन का विशेष अवसर दिया है ओ एफ एस 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 के माध्यम से राज्य के शिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट नामांकन 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक करा सकते हैं बिहार बोर्ड के अनुसार छात्रों की सुविधा के लिए यह विशेष अवसर दिया गया है नामांकन के बाद संबंधित संस्थानों की ओर से तारीख 23 अक्टूबर तक नामांकन विद्यार्थियों की सूची ओ एफ एस एस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ध्यान रहे यदि किसी विद्यार्थी ने स्लाइड अप किया है और चयनित संस्थान में नामांकन नहीं लिया है तो वे भी स्पॉट नामांकन के तहत अपना नामांकन लेंगे अन्यथा वे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए योग्य नहीं होंगे बड़ी खबर दिवाली पर मुफ्त में कचरा उठाएगा नगर निगम घर भेजेगा कोड़ा गाड़ी इन नंबरों पर करें कॉल जी हाँ दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली छठ के लिए नगर निगम ने सफाई की विशेष योजना बनाई है दीपावली में निकलने वाले सूखे कचरे को नगर निगम विशेष रूप से लोगों के घर से वाहन भेजकर उठवाएगा जिनके घर से अधिक मात्रा में कूड़ा निकलने की संभावना होगी वैसे लोग इस सुविधा का लाभ मुफ्त में उठा सकते हैं इसके लिए बस आपको निगम के संबंधित अंचल के सिटी मैनेजर को कॉल करके सूचना देनी होगी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंचल नूतन राजधानी के लिए सिटी मैनेजर का नंबर एट फोर फोर जीरो थ्री वन टू फोर एट बाकीपुर अंचल के लिए नाइन डबल थ्री फोर नाइन वन डबल जीरो फोर एट पाटलिपुत्र अंचल के लिए नाइन टू सिक्स डबल फोर फोर सेवन डबल फोर जीरो वहीं कंकड़बाग अंचल के लिए नाइन टू सिक्स ट्रिपल फोर सेवन डबल फोर वन शामिल है अगली बड़ी खबर बिहार में पंचायतों तक खोलेगा मछली मार्केट कैबिनेट से मंजूरी के इंतजार मछली पालकों को मिलेगा बाजार उपभोक्ताओं को भी मिलेगा ताजा मछली राज्य में पंचायत से लेकर प्रमंडल मुख्यालय तक मछली मार्केट बनेगा इससे मछली पालकों को मछली का लाभकारी मूल्य मिलेगा वहीं मछली खाने वालों को स्थानीय तालाब की ताजा मछली उचित कीमत पर मिलेगा प्रथम चरण में सभी नौ प्रमंडल मुख्यालय स्तर पर मछली का होलसेल मार्केट होगा जबकि बचे हुए शेष उनतीस जिला मुख्यालय में रिटेल मार्केट बनेगा इसके बाद दूसरे फेज में तेयलिस पंचायत और पाँच प्रखंड मुख्यालय में मछली मार्केट बनेगा पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने माचिल में मार्केट की योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा सरकार के सात निश्चय पार्ट टू के तहत योजना को पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर रेलवे ने घटाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम जी हाँ दानापुर मंडल के सभी स्टेशनों पर अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए अपनी जेब अधिक ढीले नहीं करनी होगी दानापुर मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार ने यात्रियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है आपको बता दें कि पहले प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पचास रुपये तक ले जा रहे थे अब इसे घटाकर दस कर दिया गया है इससे ऐसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी जो अपने सगे संबंधियों को ट्रेन पर बैठाने के लिए प्लेटफॉर्म के अंदर जाते थे बड़ी खबर बिहार में गंगा किनारे छठ पूजा की छूट मिलेगी या नहीं पटना में चल रही तैयारियों से मिलेगा इसका जवाब जी हाँ कोरोना संक्रमण के कारण बिहार में छठ पर्व के आयोजन पर संसद के बादल छते दिख रहे हैं पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने छठ के लिए प्रशासनिक तैयारियों को मुकम्मल बनाने के लिए एक बैठक बुलाई है इसके बाद गंगा तट पर इस बार छठ महापर्व का आयोजन होने की उम्मीद बढ़ी है प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला प्रशासन नगर निगम विद्युत विभाग भवन निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग की बैठक आज बुलाई है जाहिर है कि प्रशासन अगर तैयारी में जुटा है तो लोगों को इस बार गंगा घाटों पर पूजा की इजाजत मिल सकती है बिहार के बाकी जिलों में भी ऐसी तैयारियाँ शुरू हो गई है बड़ी खबर नीतीश को तेजस्वी ने दिया जोर का झटका जदयू चुनाव प्रभारी को पार्टी में कर लिया शामिल जी हाँ बिहार में विधानसभा के तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीटों पर उपचुनाव होना है उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है इसी बीच राजद एक के बाद एक झटके विरोधियों को दे रही है आपको बता दें की कल जदयू जिला उपाध्यक्ष तारापुर चुनाव प्रभारी योगेश्वर कुमार मंडल ने राजद का दामन थाम लिया है तेजस्वी यादव के सामने ही योगेश्वर कुमार मंडल ने राजद की सदस्यता ली इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार संजय यादव और बिहार जस्टिस पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जसमुद्दीन ने नामांकन वापस ले लिया है दूसरी तरफ जदुई में शामिल हुए सलीम परवेज सीएम नीतीश से की मुलाकात कहा राजद में घुटन महसूस हो रही थी जी हाँ बिहार विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज ने राजद का थाम छोड़ फिर से जदोई की सदस्यता ग्रहण कर ली है प्रदेश जदयू कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने सलीम परवेज को पार्टी की सदस्यता दिलाई सलीम परवेज ने कहा कि राजद में घोटन महसूस हो रहे थे मुस्लिम समाज को एक पार्टी ने डरा कर रखा था वह वो सिर्फ वोट बैंक समझ रहा है नीतीश कुमार अकलीत के हमदर्द है उस पार्टी में संस्थापक सदस्य को एक लोटा पानी कहकर अपमानित किया गया है नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास किया है उन्हें शांति एवं सद्भावना के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए बड़ी खबर अब प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर बनने के लिए टीएटी जरूरी लागू होगी नई व्यवस्था जी हाँ बिहार के सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीएटी को अनिवार्य किया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के साथ ही इंटरव्यू की व्यवस्था लागू की जाएगी और इसके जरिए ही किसी भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों का सिलेक्शन किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर केंद्र सरकार ने यह बदलाव किया है बिहार में भी इसे जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है बड़ी खबर अब खराब आंख वाले ड्राइवर अब नहीं चला पाएंगे गाड़ी होगी आंखों की नियमित जांच जी लोगों की सुरक्षित यात्रा का अनुभव दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने नहीं पहल की है अब व्यावसायिक वाहन चलाने के नियमित रूप से आख जांच होगी जल्द इस बाबत परिवहन विभाग आदेश जारी करेगा पिछले दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रक ड्राइवरों की आख जांच की गई थी इसमें काफी संख्या में ड्राइवरों के आग की रोशनी में गड़बड़ी पाई गई है इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने जिला स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइवरों की आंख जांच कराने का निर्णय लिया है जांच में जो ड्राइवर नेत्र दोष से परेशान होंगे उनको गाड़ी चलाने से रोका जाएगा ऐसे वाहन चालकों का नाम व ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी डी के पास भेजे जाएगी ताकि डी कार्यालय उस पर निर्णय ले सके अगली बड़ी खबर बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्री धारी भी अब बन सकेंगे पांचवे तक के शिक्षक अस्सी हजार सरकारी स्कूलों में मिलेगा मौका जी हाँ बी एड स्पेशल एजुकेशन डिग्री धारी भी आप कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक बन सकेंगे एन ने इसके अधिकारी अधिसूचना जारी कर दी है एन के इस फैसले से अब राज्य के लगभग अस्सी हजार सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स को शिक्षक बनने का मौका मिला आपको बता दें कि इससे पहले एन ने बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारियों को छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षक बनने के लिए योग्य घोषित किया था जिसे अब संशोधित किया गया है बड़ी खबर बिहार को बाढ़ और बिजली संकट से बचाने का प्लान तैयार अरुण कोसी पर लगेगी दो हाइडल परियोजना हाँ। हाँ। बिजली संकट और बाढ़ की समस्या से जोज रहे बिहार के लिए राहत भरी खबर है कोसी के नेपाल वाले हिस्से में 1450 मेगावाट पन बिजली उत्पादन की संभावना तलाशी गई है पन बिजली यूनिट सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड लगाएगी नेपाल के साथ मिलकर शुरू होने वाले इस पनबिजली घर से न केवल बिहार को जरूरत के हिसाब से बिजली मिलेगी बल्कि नियंत्रित मात्रा में पानी आने से कोशिश से होने वाली तबाही और नदियों में गाद की समस्या भी कम होगी बड़ी खबर अब बिहार में बिना नाम पता के भ्रष्टाचार के खिलाफ डाकघरों से कर सकेंगे शिकायत जी हाँ डाक विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की मदद करेगा लोग बिना नाम पता के ही विभागीय गड़बड़े की शिकायत डाकघरों के माध्यम से कर सकेंगे जनवरी से अब डाकिया घर घर मतदाता पहचान पत्र पहुंचाएगा यह बातें डाक विभाग के प्रभारी पोस्ट मास्टर जनरल अदनान अहमद ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कही है डाक सप्ताह की समाप्ति पर उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया कि भ्रष्टाचार से संबंधित कई ऐसी शिकायतें विभागीय कर्मचारी नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी नौकरी में कोई दिक्कत ना आ जाए इसका डर लगा रहता है लेकिन अब डाक विभाग के पब्लिक इंटरेस्ट डिस्कलोजर एवं प्रोटेक्शन ऑफ फॉर्म के तहत बेफिक्र होकर शिकायत कर सकते हैं अदनान अहमद ने कई तरह की नई पहल की घोषणा की है उन्होंने कहा कि डाक विभाग मतदाता पहचान पत्र पहुंचाने के साथ साथ जमीन का रसीद पहुंचाने का भी काम शुरू करने जा रहा है बड़ी खबर गंगा को प्रदूषित करने वालों पर होगा केस पटना में मूर्ति विसर्जन करने वालों की तलाश घाटों पर तैनात मजिस्ट्रेट की निगरानी पर उठे सवाल जी हाँ गंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर की गई शक्ति के बाद भी गंगा को प्रदूषण से नहीं बचाया जा सका इसका बड़ा कारण है कि घाटों पर तैनात किए गए मजिस्ट्रेट कागजी आदेश की तरह बैठे रह गए मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इसलिए की गई थी कि गंगा में मूर्ति व पूजा सामग्रियों का विसर्जन न हो पाए लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से सारी शक्ति फेल हो गई अब गंगा में मूर्ति विसर्जन करने वालों की तलाश की जा रही है ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है जिन्होंने गंगा में मूर्ति विसर्जन किया गया है और अंत के बड़े खबर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आगाज आगाजिए कब कब मैदान में उतरेगी टीम इंडिया जी हाँ आई 2021 के सफल समापन के बाद 17 अक्टूबर से टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है पांच साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन ओमान और यू में किया जा रहा है लेकिन इसका होस्ट भारत और बी होगा पहले भारत में ही इसका आयोजन होना था लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण इसे यू और ओमान में शिफ्ट कर दिया गया इस बार ट्रॉफी के प्रबल जीतने के दावेदारों में भारत इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें शामिल है पहली बार टी वर्ल्ड कप में डीआरएस का प्रयोग किया जाएगा हर टीम को डीआरएस के दो मौके दिए जाएंगे 2016 के टी वर्ल्ड कप में इसका प्रयोग नहीं किया गया था वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है जो 24 अक्टूबर को खेला जाएगा आज के लिए आपका सवाल बताएं कि कौन से देश ने 2016 का टी वर्ल्ड कप जीता था इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए